बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट के चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज मैं जो प्रॉपर्टी की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो कि है नाजमाबाद 3 नंबर 3D के एरिया में 3rd फ्लोर का तकरीबन 144 स्क्वायर यार्ड ऑन ग्राउंड ये प्लॉट था, जिसमें 3rd, 1st और 2nd पे फ्लैट पोर्शन बनाए गए हैं, एक पे एक ही। प्लानिंग है इसकी 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी रूम। बैकग्राउंड पे जितना भी अभी आपके सामने सर्वे आ रहा है, मैं अभी उसी पोर्शन पे मौजूद हूँ। बेहतरीन ब्रांड न्यू 0 मीटर ये पोर्शन बनाया गया है। 3 साइड कॉर्नर होने की वजह से फी पोर्शन मतलब 1st फ्लोर पे 2nd फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे एक ही पोर्शन बने हुए हैं। तो 3 साइड कॉर्नर होने की वजह से पोर्शन की तीनों तरफ से गैलरी आ रही है। तो चलिए चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने पोर्शन की तरफ, स्टार्टिंग टू एंड। शुरुआत में मैं आपको पहले उसकी लोकेशन दिखा दूंगा, फिर उसके बाद स्ट्रीट से एंटर, फिर लॉन्च, जो तरीका होता है दिखाने का बिल्कुल वैसे ही। इसके रेट मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिए हैं, जिन हजरात ने इसके रेट जानने हो तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पोर्शन की तरफ। तो ये है इसकी एंट्रेंस, बिल्कुल ये 3rd फ्लोर पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, तो इसलिए मैं इसका एक व्यू यहाँ से ले रहा हूँ। ये 3rd फ्लोर की एंट्रेंस है और ये सीधा जारी है 4th फ्लोर की तरफ। तो अपना जो पोर्शन है जो मैंने आपको दिखाना है वो ये है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। या आप देख सकते हैं इसमें ग्रिल वगैरह का सारा काम हुआ हुआ है, ग्रिल भी हुई हुई है, किचन का काम भी हुआ हुआ है। ईच एंड एवरी वर्क जो इस पोर्शन पे होता है वो सब कुछ इसमें हुआ हुआ है। तो ये है इसका एक व्यू लॉन्च की तरह से, बिल्कुल आपके सामने है माशाल्लाह, कितना बड़ा बेहतरीन स्पेस के साथ इसका ये लॉन्च दिया गया है। देख सकते हैं आप लॉन्च के बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पे इसकी गैलरी है, और ये तो आपने देख लिया पूरे इसके लॉन्च का व्यू। सामने जो एक दरवाज़ा है ये इसकी बालकनी है, ये किचन, और ये सामने दोनों इसके बेडरूम, दोनों अटैच वॉशरूम के साथ। और ये वाला जो एक रूम है ये भी इसका अटैच वॉशरूम के साथ तीसरा बेडरूम है, और बिल्कुल इसके बराबर में ये इसका ड्राइंग रूम है। तो ये देखा आपने सबसे पहले इसका पूरा लॉन्च और किस तरह तरतीब से बने हुए हैं इसके रूम, ये भी आपने देख लिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी 4th सीलिंग, बेहतरीन हैवी पैनल इसमें 4th सीलिंग हुई हुई है, कलर वगैरह सब कुछ इसमें करा दिया गया है, इवन किचन तक बना दिया है, ग्रिलिंग वगैरह, सेफ्टी गेट सब कुछ लगा हुआ है। ये था इसका एक व्यू लॉन्च की 4th सीलिंग का। और एक व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल लॉन्च का, इसका अपोजिट व्यू जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, बिल्कुल सामने वो गेट आपको दिख रहा है, ये इसका अपोजिट व्यू। और अब चलते हैं किचन की तरफ, जो के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इसके किचन। किचन का व्यू बहुत ही बड़ा और बेहतरीन इसका किचन का साइज़ दिया गया है, आपके सामने है कि कितने सारे इसमें कैबिनेट लग चुके हैं, और ये बेहतरीन जो काउंटर यहाँ पे दिया है भी देख सकते हैं आप। वेंटिलेशन के लिए सामने 2 स्पेस हैं, हॉल है यहाँ पे, जो कि एग्जॉस्ट वगैरह इसमें फिलहाल नहीं लगे हुए, लेकिन ये आने वाला लगाएगा। बिल्कुल ब्रांड न्यू इसका किचन भी बना दिया गया है, इनफैक्ट अभी इसमें पन्नियाँ वगैरह भी नहीं हटी, तो इसी से आप देख सकते हैं कि ये एकदम ब्रांड न्यू लगा हुआ है। और यहाँ पे एक फ्लैम भी है, विनर फ्लैम, तो ये भी एक तरह से साथ में ही है। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसके लॉन्च की जो बालकनी है एक व्यू उसका, यह है इसके लॉन्च की बालकनी,
यहाँ पे स्पेस बच रहा था तो वॉल ड्रॉर लगा दी यहाँ पे, जो कि एक स्टोरेज के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक नज़र दिखा देता हूँ आपको, फिर भी ये देख सकते हैं आप, ये स्पेस बन रहा था तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन चीज़ यहाँ पे की गई है कि इसमें यहाँ पे अलमारी बना दी। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस गैलरी का एक व्यू दिखा दूँ। ये है इसका व्यू, तो ये देखा आपने व्यू, और अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि यहाँ पे जो दोनों रूम हैं इसके, यहाँ पे भी एक बालकनी है लेकिन यहाँ पे भी दोनों साइड से गेट दिया गया है बालकनी का। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला रूम, अटैच वॉशरूम के साथ है ये, और रूम साइज़ आप देख सकते हैं, ये इसकी फ्लोरिंग में दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका एक मिड व्यू, सामने इसके अटैच वॉशरूम, इसकी फोर सीलिंग, ये इसका अटैच वॉशरूम, माशाल्लाह से इसके वॉशरूम का साइज भी काफी बड़ा दिया गया है, और ये इसकी सेकंड साइड की जो गैलरी है वो यहाँ पे है। एक गैलरी आपको मैंने लॉन्च की साइड से दिखाई, और ये वाली गैलरी है बेडरूम की तरफ से, यहीं पर ही वॉशिंग एरिया दिया गया है, गीज़र का कनेक्शन वगैरह सब। वेस्ट ओपन साइड यहाँ से इसकी गैलरी पड़ रही है, ये पर्दे से आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे एक वॉशरूम दिया गया है, बेसिकली वो है इस रूम का अटैच वॉशरूम, ये वाले रूम का, जो कि दरवाज़ा यहाँ से नहीं दिया गया है, इसका यहाँ से दे दिया गया। एक्चुअली ये इसी रूम का अटैच वॉशरूम है। तो ये देखिए आपने एक व्यू, मैं आपको इसके वॉशरूम का दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं जो इसके बराबर में इसका रूम है उसकी तरफ। बेहतरीन हवा आ रही है, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ गैलरी से बाहर जाऊँ और यहीं का ही व्यू दिखाता हूँ। ये एक फिर भी एक नज़र एक व्यू देख लेते हैं इस बालकनी का, और अब हम चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। ये इसका सेकंड रूम, इसकी फोर सीलिंग, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक विंडो, बड़ी विंडो, फोर सीलिंग हुई हुई है। तो चलिए चलते हैं अब अपने तीसरे बेडरूम की तरफ, फिर उसके बाद ड्राइंग रूम का एक व्यू दिखा के वीडियो को करते हैं एंड। ये है इसका तीसरा बेडरूम, जो कि बिल्कुल लॉन्च के साथ था। ये एक दो रूम मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल इसके बराबर में जो एक रूम था, ये इसका तीसरा बेडरूम है। एक नज़र इसकी फ्लोरिंग की तरफ, ये इसकी फ्लोरिंग, ये इसका मिड व्यू, और ये इसकी फैंसी फोर सीलिंग वर्क। वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस रूम की यहाँ पे एक विंडो दी गई है, और यहाँ पे एक डक है, और बिल्कुल इसके बराबर में ये दरवाज़ा जो है ये इसका अटैच वॉशरूम है। अनफॉर्चुनेट ये लॉक हुआ है, शायद कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ हो, तो ये इसका अटैच वॉशरूम है बेसिकली। एक व्यू में दिखा देता हूँ आपको इस रूम का अपोजिट, ये अपोजिट व्यू है इसका। तो चलिए अब चलते हैं अब अपने ड्राइंग रूम की तरफ, जो कि इंटर होते ही सबसे पहले जो गेट आया था सीधे उल्टा सीधे हाथ की तरफ, ये इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का एक मिड व्यू,
बिल्कुल, जो तीसरा बेडरूम मैंने आपको दिखाया वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो थी, तो यहाँ पे भी एक विंडो गेट सॉरी विंडो दी गई है। फैंसी फोर सीलिंग वर्क, ड्राइंग रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैवी पैनल बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह से। ये ड्राइंग रूम है इसलिए इस हिसाब से यहाँ पे और मज़ीद हैवी पैनल वर्क फैंसी फोर सीलिंग का हुआ हुआ है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो, और ये है इसकी तीसरी और आखिरी गैलरी। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि थ्री साइड कॉर्नर है, तो थ्री साइड इसकी गैलरी है। ये इसकी ड्राइंग रूम की तरफ से भी गैलरी है, और यहाँ पे भी एक स्टोर दिया गया है। ये इसका ड्राइंग रूम की गैलरी का व्यू, और ये है इसका ड्राइंग रूम की तरफ एक छोटा सा स्पेस बन रहा होगा, तो गैलरी को मज़ीद बड़ा करने के बजाय यहाँ पे इसको यहीं पर ही पैक कर दिया है और यहाँ पे दे दिया है स्टोर। तो ये देखिए आपने कंप्लीट वीडियो पूरे पोर्शन की, तकरीबन 144 स्क्वायर यार्ड ऑन ग्राउंड है, वैसे बड़ा जा रहा है पोर्शन। मैं शायद इस चीज़ में मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इससे बड़ा ही लग रहा है ये पोर्शन, लेकिन 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 ये चीज़ कंफर्म नहीं करी, लेकिन मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे ये चीज़ कंफर्म करके लिख दूंगा। तो ये देखिए आपने इसकी पूरी वीडियो, नाजमाबाद 3 नंबर 3D के एरिए में 3rd फ्लोर का, जो कि स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मैं कंफर्म कर दूंगा, ये अवेलेबल है फॉर सेल, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आपने पूरा का पूरा पोर्शन देगा, 3 बेडरूम ड्राइंग रूम की लॉन्च की प्लानिंग में ये बना हुआ है, 3 साइड कॉर्नर है, और एक पे दो बन सकते हैं आराम से, 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च, 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च की फ्लैट, लेकिन ऐसा किया नहीं है, जो कि बहुत अच्छा किया है, बेहतरीन फ्लैट बना है जो कि आपने वीडियो में देख लिया है। जो भी हजरात इसमें इंटरेस्टेड हों तो विजिट के लिए, मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें, यही दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।